ए एस होम क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं मिल्क कोकोनट केक। इसके लिए हमें सामान चाहिए, दूध, नारियल का बूरा, चिरौंजी, शक्कर और थोड़ी सी फिटकरी। तो हमने दूध उबलने के लिए रख दिया है। जब ये आधा रह जाएगा तब हम इसमें शक्कर डालेंगे। दूध को अच्छे से उबल गया, अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर डाल के इसको मिलाएंगे और साथ ही इसमें हम जो फिटकरी थी थोड़ी सी फिटकरी भी हम डाल देंगे, चुटकी बराबर ये फिटकरी भी डाल के। अब हम इसको लगातार पकाते रहेंगे जब तक कि दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो जाता है। देखिए दूध एकदम तैयार हो गया। अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे, ठीक है इस तरह से, और साथ में हम नारियल का बूरा और चिरौंजी डाल देंगे। इन सबको डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब साथ में हम ये चिरौंजी भी डाल देंगे। अब इसको खूब अच्छे से चला के एक घी लगे हुए बर्तन में हम इसे निकाल लेंगे। लगे हुए बर्तन में इसको हम वापस निकाल के अच्छे से जमा देंगे। इसको इस तरह हम धीरे धीरे सारा मटेरियल इसका निकाल के इसमें, देखिए इस तरह जो दूध हमने तैयार किया था बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। इसमें हमने सब डाल के नारियल बूरा, चिरौंजी, शक्कर सब डाल के तैयार कर लिया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकालने के बाद इसको ढक देंगे। अभी गर्म है, इसको हम ढक के ठंडा होने के लिए रखेंगे। उसके बाद हम इसके पीस काटेंगे। ये हमारा मिल्क कोकोनट केक बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप इसके इस तरह से पीस काट लीजिए। इस तरह से हमारे मिल्क कोकोनट केक बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे हैं।